हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। भाई ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सात ऐसी चीज़ें जो शायद आप एनपीएस मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम है उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपको बेसिकली पता ही नहीं है कि एनपीएस क्या है और आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए मेरे दूसरे दो तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं जिसका लिंक मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखें। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी सात चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपको एनपीएस के बारे में पता होगी। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एनपीएस के अंदर सेक्शन 80 सीसीडी के तहत एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट मिलता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम का टैक्स रिडक्शन तो आपको मिलता ही है, बट उसके अलावा अगर आप एनपीएस के अंदर आपका एडिशनल 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो ये एडिशनल 50,000 रुपीज़ जो कि सेक्शन 80 सीसी के लिमिट के 1.5 लाख लिमिट के बाहर है, दूसरा एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो ये एक चीज़ जो है सेक्शन 80 सीसीडी के बारे में, वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता नहीं होती है। तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए कि एवरी ईयर आपको एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ है वो सेक्शन एनपीएस के अंदर निवेश करना चाहिए, ताकि क्या है कि आप सेक्शन 80 सी का 1.5 लाख का लिमिट भी आप एन्जॉय कर सकते हैं टैक्स फ्री, प्लस दूसरा 50,000 एडिशनल लिमिट इसका आप एन्जॉय कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर से मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि मैंने 50,000 रुपीज़ तो एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो अभी दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ, या तो इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो मैं बताऊं कि इसके अंदर अपर लिमिट जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की है वो कोई भी नहीं है, मतलब देर इज़ नो अपर लिमिट, आप जितना भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही एनपीएस के अंदर निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, मेरा एक दो फ्रेंड है मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो उनके है या तो इंश्योरेंस एजेंट, उन्होंने ऐसा एडवाइज़ किया है कि आपने 50,000 रुपीज़ एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिए है तो अब आप दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एनपीएस का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये बात सही है कि आपको बेनिफिट जो टैक्स बेनिफिट यहाँ 80 सीसीडी के तहत मिलेगा वो 50,000 रुपीज़ तक ही मिलेगा, लेकिन आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ जितना भी आप अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो एनपीएस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि जो एनपीएस है वो लोएस्ट फंड मैनेजमेंट फीस लेता है पूरे इंडिया के अंदर। आप कोई भी पेंशन प्लान ले लोगे या तो कोई भी म्यूचुअल फंड ले लोगे या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की स्कीम ले लोगे, तो उसके अंदर मैं बताऊं कि एनपीएस है वो लोएस्ट फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है इसका, जो कि है सिर्फ 0.01% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही चीप है। मैं आपको बताऊं कि लोएस्ट में आपको बताऊं इंडेक्स फंड माने जाएंगे, तो लोएस्ट जो इंडेक्स फंड इंडिया के अंदर है जैसे कि यूटीआई का इंडेक्स फंड है, निफ्टी इंडेक्स फंड, तो उसका भी आप एन्यूअल मैनेजमेंट फी देखते हैं उसको मैं लोएस्ट काउंट करता हूं, तो वो भी 0.10% है। तो मैं बताऊं कि ये उससे भी कम है, ये 0.01% है। मतलब एवरी 10 लाख रुपीज़ आपको एन्यूअली सिर्फ 100 रुपीज़ ही पे करना है फंड मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो है ये एनपीएस को इंडिया का लोएस्ट कॉस्ट स्कीम बनाता है, लोअर देन द इंडेक्स फंड ऑल्सो। मेरे दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लार्ज कैप फंड के अंदर आप 1% से 1.5% अगर फंड मैनेजमेंट चार्ज देते हैं तो उसके कंपेरिजन में इंडेक्स फंड 0.10 से लेके 0.50% तक का चार्ज लेते हैं, तो इंडेक्स फंड चीपर होते हैं लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स फंड से भी कम इसका फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो ये लॉन्ग रन में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका ज़्यादा दे सकता है। उसके बाद का जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इक्विटी एक्सपोजर जो है उसके ऊपर 50% का कैप यहाँ पे लगाया गया है कोई भी एज में, मतलब एनपीएस के अंदर। तो ये इसको मुझे बहुत सारे लोग ईमेल करके पूछते हैं कि कितना यहाँ पे रिस्क है या तो कितना सेफ है एनपीएस में निवेश करना। तो मैं बताऊँ कि एनपीएस में निवेश करना 100% सेफ है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो माइनस नहीं देखता है। जो मार्केट लिंक जो रिस्क है जैसे कि इक्विटी का जो रिस्क है वो तो है ही, लेकिन कैसा है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होता है, इसलिए इसके अंदर दूसरे
पे कोई फ्रॉड या स्कैम के नहीं रहते, वो सेंस में मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये सेफ है। और लेकिन आप अपना जो इक्विटी एक्सपोजर अगर आपका 50% रखते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर उसके अंदर बहुत ही वाइल्ड फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। बट एनीवेज ये जो एनपीएस है उसके अंदर आप कोई भी एज ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप अपने 30s में इन्वेस्ट करते हैं तो एनीवेज आप अपने 60 ईयर्स के एज के पहले इसमें से मनी विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं बताऊँ कि वो आपको ओवरऑल अल्टीमेटली तो आपको डिसेंट रिटर्न देगा। इवन दो इक्विटी की वॉलेटिलिटी आएगी लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन आपका लॉन्ग रहेगा, इसलिए ये जो फंड हो जाता है नेशनल पेंशन स्कीम ये सेफ हो जाता है, वो सेंस में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका एज 62-63 ईयर्स हो गया है तो वो एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। तो मैं बताऊं, हाँ, आप अभी रिसेंट जो गाइडलाइंस आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से आप 60-65 ईयर्स के एज के बीच में भी एनपीएस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ उसमें चीज़ ऐसी है कि अगर आप 60-65 ईयर्स के बीच में अगर इसमें एंट्री करते हैं तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड आएगा और आप 70 ईयर्स के एज तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप माइंड में रख के अगर आपकी नीड उस टाइप की है तो आप यहाँ पे 60 ईयर्स के बाद भी आप निवेश कर सकते हैं अगर आप 3 साल तक अपना पैसा लॉक इन रखने के लिए जाते हैं तो। उसके बाद का जो 6th पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ अगर मैं ये नेक्स्ट ईयर बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता हूँ तो। तो मैं बताऊँ कि यहाँ पे कोई फिक्स कंट्रीब्यूशन का कोई लॉ नहीं है, आपको एनुअली मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्ट करना है और आपको अपने हिसाब से अपना फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टमेंट सेट करना है। सपोज आप एवरी मंथ 2000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ये साल में सिर्फ मंथली 1000 रुपीज ही इन्वेस्ट करना है या तो पूरे साल में सिर्फ 5000 इन्वेस्ट करना है, तो वो आपके ऊपर यहाँ पे रहता है। मैं पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हैं अगर आप का एज यंग है तो आप रिटायरमेंट के टाइम पे आप बहुत ही अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूल नहीं है। और दूसरा कैसा है कि इसमें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो आप जो असेट एलोकेशन है वो आप अपने हिसाब से जितनी भी बार आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अकाउंट रहता है तो उसके थ्रू आप ये कुछ भी एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। और 7th पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जब आपका 60 ईयर्स का एज हो जाता है, मतलब जो रिटायरमेंट का एज, तो उसके बाद आपको कैसा है कि मिनिमम 40% जो अमाउंट है उसमें से कोई भी एक एन्यूटी प्लान खरीदना पड़ता है और बाकी का 60% अमाउंट है वो आप विदड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 60% विदड्रॉ नहीं करना चाहते और 100% का एन्यूटी करना चाहते तो भी पॉसिबल है। और एन्यूटी करने से क्या होगा कि आपको लाइफ टाइम इसमें से पेंशन मिलेगा, आपको पेंशन की इसमें से इनकम हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो सपोज आपने 1 करोड़ रुपया का कॉर्पस बिल किया है या तो 2 करोड़ या कोई भी एक अमाउंट का कॉर्पस बिल किया है तो उसमें से मिनिमम 40 लाख रुपीज आपको एन्यूटी बाय करना होता है, तो उसमें से आपको अपना रिटायरमेंट के बाद का पेंशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एनपीएस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पेंशन स्कीम, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट पेंशन स्कीम्स अवेलेबल इन इंडिया है, तो आपको इसके अंदर जरूर से निवेश करना चाहिए। ये बात अलग है कि इंश्योरेंस एजेंट्स और दूसरे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत सारे होते हैं वो ये स्कीम को यहाँ पे प्रमोट नहीं करते क्योंकि उनको ये स्कीम प्रमोट करने में कोई कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ इन्वेस्टर पर हमारा जो गोल है वो है एवरी इंडियन को अनबायस फाइनेंशियल ओपिनियन और फाइनेंशियल एजुकेशन देना। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एनपीएस के अंदर निवेश कर सकते हैं। अभी आपको कोई कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या तो मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस मैंने नीचे दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।